नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पाटोदा धाननी गांव के आजनेय योग्य संन्यास आश्रम में चल रहे 5 दिवसीय श्री हनुमत सहस्त्र नाम महायज्ञ का पूर्णाहुति के साथ गुरुवार को समापन हुआ। स्वामी गोविंदानंद गिरी महाराज और मुख्य यज्ञाचार्य पंडित कृष्णानंद महाराज सहित 11 पंडित और 21 यजमानों ने यज्ञशालाओं में संपूर्ण विश्व शांति एवं जन कल्याण के लिए आहुतियां दी। स्वामी गोविंदानंद गिरी महाराज ने बताया कि महायज्ञ की पूर्णाहुति एवं समापन जनपद के संत महात्माओं प्रदीप पारुल आत्रेय, सूर्यकांत मिश्रा चढ़ावा, पिंटू शर्मा रतनगढ़, वैद्य हरिकृष्ण शर्मा, महेश जांगड़ के आतिथ्य में हुआ। इस दौरान रतनगढ़ के प्रदीप पारुल आत्रेय द्वारा रात्रि संगीतमय सुंदर कांड पाठ, एक से बढ़कर एक भजनों की रंगारंग प्रस्तुति, दोपहर को भक्तों के लिए प्रसाद वितरण। इस मौके पर निर्देशक न्यू राजस्थान संकुल रामचंद्र गोपाल सिंह शेखावत, पटवारी 16 सहित भक्तगण मौजूद रहे। पूर्णिमा के पावन अवसर पर आश्रम में पूर्णाहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं गुरु जी का और सभी महान विद्वान पंडितों का तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी की जय श्री राम। श्री आंजनेय योग संन्यास आश्रम में 5 दिवसीय श्री हनुमत सहस्त्र नाम यज्ञ का आयोजन धूमधाम से चल रहा है। आयोजन के अंतर्गत आज पंचम दिवस पर 125,000 आहुतियां प्रदान करने के पश्चात भगवान का विशेष अभिषेक किया गया और सहस्त्र अर्चन किया गया। भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सहस्त्र अर्चन के पश्चात आज पूर्णाहुति विशेष रूप से मनाई गई, जिसमें सभी देवी देवताओं की आवाहित देवी देवताओं की भी आहुतियां लगाई गई व पूर्णाहुति की गई। आज पूर्णिमा के विशेष अवसर पर सायंकालीन संध्या में भगवान श्री हनुमान जी महाराज का पावन सुंदरकांड के पाठ का आयोजन रखा गया है, जिसके अंतर्गत हम सब मिलकर के बाबा को बहुत धूमधाम से रिझाएंगे, मनाएंगे, पूर्ण रूप से आनंदमय रूप से ये 5 दिवसीय श्री हनुमत सहस्त्र नाम यज्ञ अपने पूर्णाहुति की ओर प्रशस्त हो रहा है। श्री हनुमान जी महाराज की अति विशेष कृपा रही। आदरणीय गुरुदेव श्री गोविंदानंद गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम समापन हुआ। तत्पश्चात यज्ञाचार्य श्री कृष्णानंद जी महाराज एवं अन्य विप्रजनों के सानिध्य एवं साधु संतों के सानिध्य में आयोजन अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हुआ। बड़े ही आनंद के साथ भगवान श्री हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय श्री बालाजी की जय श्री राम। राजस्थान के जिला चूरू का हनुमान जी महाराज का सालासर धाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और उससे लक्ष्मणगढ़ जाने वाले रोड पर श्री आंजनेय योग संन्यास आश्रम 14 किलोमीटर पर अवस्थित है, जो कि यहाँ आचार्य गोविंदानंद गिरिजी महाराज जिन्होंने ये आश्रम स्थापित किया है। और यहाँ पर इस आपाधापी के युग में, जबकि धर्म और वैदिक संस्कृति की जब कोई बात करता है तो लोग एकदम से विचलित से हो जाते हैं या उसको अनजान सा मानते हैं, ऐसे समय में जबकि धर्म कर्म की तरफ लोगों का बहुत ही कम ध्यान है, आचार्य गोविंदानंद गिरिजी महाराज धर्म ध्वजा थामे यहाँ शेखावाटी के इस पावन इलाके में एक हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म की एक अजस्त्र धारा बहा रहे हैं। तो आइए हमारे आंजनेय योग संन्यास आश्रम में थोड़ा सा समय तो गुजारिए, आइए यहाँ पर मिलेगी आपको हिंदू धर्म के प्रति कुछ भी जिज्ञासा का यहाँ आपकी शमन होगा और वैदिक संस्कृति का यहाँ पर एक अजस्त्र धारा बहती हुई मिलेगी। और मिलेंगे एक ऐसे अवधूत जिनका नाम है आचार्य गोविंदानंद गिरी जी, जो देखने में बिल्कुल साधारण परंतु योग्यता में बिल्कुल असाधारण एक बेहद सुशिक्षित संत, जो कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों को जोड़ते रखते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जो पढ़कर बाहर निकलते हैं उनका एक अलग ही योग्यता होती है। और जब आप तो दो दो विषय में स्नातकोत्तर, तो आइए और गुरु महाराज के पास में बैठिए, थोड़ी देर आप कोई भी जिज्ञासा पूछिए। पूर्ण हुत्या सर्वान कामान वापनोति। आज अवसर है श्री आंजनेय योग संन्यास आश्रम में चल रहे 5 दिवसीय श्री हनुमत सहस्र नाम यज्ञ के पूर्णाहुति समारोह का। भगवान श्री बालाजी महाराज के 125,000 नामों की आहुति प्रदान की गई इन 5 दिनों में, और आवाहित सभी देवी देवताओं का यहाँ पर हवन किया गया। स्वामी आचार्य स्वामी जी श्री गोविंदानंद गिरी जी गुरुदेव के सानिध्य में इस यज्ञ का मैं यज्ञाचार्य होकर के और इस यज्ञ को संपादित किया है। बड़े ही विधि विधान से यज्ञ का
संचालन किया गया। सभी भक्तों के द्वारा यहाँ पर भक्ति भाव पूर्वक आहुति प्रदान की गई। शास्त्रों का मत है भाग्योदयन बहु जन्म समार्जितेन सत्संगमं चलते पुरुषो यदावई। जैसे एक जन्म का नहीं अपितु कई जन्मों के जब पाप क्षीण होते और पुण्य जब जागृत होते हैं तब ऐसे यज्ञ अनुष्ठान में बैठना, ऐसे यज्ञ अनुष्ठान में आहुति प्रदान करना, ऐसे यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेना तन मन धन से यथाशक्ति यथाभाव के अनुसार, तो भगवान की कृपा होती है तब ऐसे अवसर भक्तिमय अनुष्ठान प्राप्त हुआ करते हैं। जिन्होंने इस अनुष्ठान में भाग लिया है उन सभी भक्तों के मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूँ। जय जय श्री सीतारा। आज हनुमत सहस्रनाम यज्ञ का समापन दिवस है। सभी आचार्यों ने मिलकर, ब्राह्मणों ने मिलकर अच्छा पुण्यात्मक कार्य किया, जिसके लिए इन सभी को साधुवाद। हनुमत सहस्रनाम में हम लोगों ने यहाँ 1,25,000 औंठियाँ दी हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि समस्त प्राणी सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सबके ही सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना से यह यज्ञ किया गया है। और आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से ऐसे अनुष्ठान और भी होते रहेंगे। और जिन लोगों ने भी यज्ञ में भाग लिया है उन सभी को साधुवाद, सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।